हमारे आसपास हमेशा बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम सभी इसके बहुत नज़दीक होने के कारण कई बार हम उन परिवर्तनों को समझ नहीं पाते, उन पर ध्यान नहीं दे पाते या काफ़ी समय उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी दूर चले जाते हैं और सभी चीज़ों को एक साथ देखते हैं थोड़ी दूरी से, तो हम चीज़ों को बेहतर समझते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। आज हमारी राधा मैडम सुधा की कक्षा को एक नज़दीकी पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए लेकर जा रही है। जी हाँ, एक्सपोजर विजिट। चलिए सुनते हैं इस एपिसोड को और जानते हैं कि बच्चों ने ट्रैकिंग के दौरान क्या क्या नया खोजा और क्या क्या नया सीखा। स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जनता से जुड़े डायरेक्ट सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ। सच में यह बहुत ही थका देने वाला काम है। मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। अब तो हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। सोच रही हूँ यहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करती हूँ। अरे तुम सब यहाँ जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे आओ तो देखो ये नज़ारा कितना सुंदर है। नज़ारा? वाह, यह बहुत ही सुंदर है। यहाँ से हमारा पूरा शहर दिखता है। हाँ देखो, यहाँ से तो हमारा स्कूल भी दिख रहा है और स्कूल के पास जो मंदिर है वह भी दिखाई दे रहा है। मुझे तो तालाब भी दिख रही है। अरे मुझे लगता है कि वो शायद मेरा घर है। हाँ मैं तो तुम्हारी माँ को भी देख सकती हूँ सुधा। अरे सच में हीना, क्या तुम्हें वहाँ कोई दुकान दिख रही है? हाँ हाँ। और क्या वे लाल रंग की नहीं है? और क्या मेरी घर के पास जो दुकान है वे भी लाल रंग की नहीं है? ठीक है, परेशान मत हो सुधा, हम सब मान रहे हैं कि हम यहाँ से तुम्हारे घर को देख सकते हैं। लगता है सभी लोग अपनी पसंदीदा जगहों को देखकर खुश हो रहे हैं। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ एक नए बदलाव के लिए। आज हम सब यहीं से अपनी क्लास करेंगे, यहाँ बैठकर पढ़ाई करेंगे आज। अरे यहाँ से मैडम पहाड़ की चोटी पर? मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ एक झपकी ले लूँ, मुझे तो नींद आ रही है। संतोष तुम भी ना, भला इतनी सुंदर जगह पर आके कोई सो सकता है क्या? क्या आप में से कोई मुझे उन जीवित चीजों के बारे में बता सकता है जिन्हें आप सब यहाँ से देख सकते हैं? मैडम पटके तालाब में बह रही है, वो देखिए। मैं वहाँ कुछ गायों को चरते हुए देख सकती हूँ मैडम। मैं हर जगह पेड़ पौधे देख रहा हूँ। और मैम यहाँ देखिए, यह खूबसूरत तितली इसी फूल का रस चूस रही है। कितना सुंदर है इन सब को देखना। बिल्कुल मैडम। तो बच्चों, यह सब जीवित प्राणी हैं, क्योंकि उनका शरीर कोशिकाओं यानी सेल से बना है। वास्तव में कुछ ऐसे जीवित जीव हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। इन्हें एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, उस जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी कार्य उस एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। अरे लेकिन वो तो कितने छोटे होते हैं मैडम। बहुत 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 छोटे। उन्हें देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। लेकिन आज आप सभी ने जिन जीवित चीजों पर ध्यान दिया है ना, उनमें कई कोशिकाएं हैं जो उन्हें जीवित रखने के लिए विभिन्न कार्य करती हैं। मैम, इन जीवों में कितनी कोशिकाएं होती है? बहुत अच्छा सवाल संतोष। हमारे आसपास खरबों कोशिकाएं, अनगिनत कोशिकाएं हैं। पर प्लीज अब मुझसे ये मत पूछना कि मैडम इनकी गिनती की जाए। मैं तो आपसे यही पूछने वाला था मैडम। अच्छा अब बताओ कि हम यहाँ से कौन कौन से निर्जीव वस्तुएं देख सकते हैं? तालाब में पानी, सड़कें, ये पहाड़ जहाँ हम खड़े हैं,
और ये बड़े पत्थर। मैम मिट्टी, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, और वह रोशनी जो हमें सूर्य से मिलती है। तुम सभी अच्छे उदाहरण दे रहे हो। वे निर्जीव वस्तुएं हैं क्योंकि उनमें जीवित चीजों की कोई विशेषता नहीं है। वे सांस नहीं ले सकते, प्रजनन नहीं कर सकते, उन्हें भोजन की भी आवश्यकता नहीं है, वे विकसित नहीं होते। अब आप सभी ने यहाँ कुछ जीवित चीजें और कुछ निर्जीव वस्तुएं देखी हैं। वे सब मिलके हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्या यह बहुत सुंदर प्रक्रिया नहीं है? बहुत सुंदर है मैडम। तो अगर किसी एक चीज में बदलाव होता है तो उसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। वो वहाँ देखो, वहाँ तालाब के पास एक फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। यह बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे शहर के कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी। परंतु आपको क्या लगता है कि इस फायदे के विपरीत क्या कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है? कैसा दुष्प्रभाव मैम? सोचो, इस फैक्ट्री की चिमनियों से जब धुआं निकलेगा तो हमारी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसका क्या होगा? यदि वे अपना कचरा तालाब के पास फेंक देते हैं तो हमारे यहाँ के पानी का क्या होगा? तालाब में तैर रही बतखों का क्या होगा? घास का क्या होगा? गाय कहाँ चरेंगी? जब आप सभी अगली कक्षा के लिए वापस आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उन चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप सोचते हैं कि फैक्ट्री मालिकों को फैक्ट्री शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है? ठीक है मैडम। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्री मालिकों को एक नई फैक्ट्री शुरू करने से पहले वहां के पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन सी बातें पहले से ही तय कर लेनी चाहिए? अपनी राय हमारे स्टूडियो नंबर 9813164542 या 0146829622 नंबर पर कॉल करें और हमारे साथ साझा करें। बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ। जनता से जुड़े डायरेक्ट, कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।